दोस्तों, इंटरनेट सेंसेशन अभी एक बिहार के समस्तीपुर का अमरजीत जैगर रातों रात गाना गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया दोस्तों, और हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। आखिर कौन है अमरजीत, जिसके बाद उन्हें फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी गाना गाने का ऑफर किया और वह मुंबई चले गए। आज वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां जाने का सपना हर युवा गायक को होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जाऊंगी कि अमरजीत कौन है, कहां से हैं और आखिर वो कैसे फेमस हो गए, तो वो सारी बातें बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं अमरजीत जैकर कौन है जो रातों रात वायरल हो गए। अमरजीत जैकर एक भारतीय पॉप कलाकार, गायक और संगीतकार है। वह बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने संगीत के सफर की शुरुआत एक छोटे से गांव से की। उन्होंने 17 साल की उम्र में एक रियलिटी शो में भाग भी लिया और विजेता बिहार आइडल भी बने। अब सब पूछ रहे हैं अमरजीत जैकर का जन्म कब और कहां हुआ और कहां से है। तो इनका जन्म वर्ष 2005 में समस्तीपुर बिहार में हुआ था और अमरजीत की अभी उम्र जो है वो 18 वर्ष है। अमरजीत बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बताते हैं इनके बारे में थोड़ी सी लाइफ स्टोरी, इनकी बताते हैं आखिर वो रातों रात कैसे सिंगर बन गए। तो बिहार के रहने वाले अमरजीत जैकर ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां देखिए वहीं अमरजीत के गाने गाए जा रहे हैं। अपने मधुर गायन के कारण अमरजीत ने दिल दे दिया है गाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया था। जी हां दोस्तों, वो अपने गांव से ही, अपने खेत में ही दोस्त, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके गांव के, उनके बच्चों के साथ उन्होंने एक गाना गाया। और जैसे हम लोग नॉर्मली रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उन्होंने भी नॉर्मली रिकॉर्डिंग करके गाना जो है वो अपने चैनल से डाल दिया, अपने फेसबुक पे डाल दिया। उन्होंने एक वीडियो वायरल होने के बाद रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो ने सोनू सूद सहित कई बॉलीवुड हस्तियों का ध्यान खींच लिया, क्योंकि उनकी जो मेलोडियस वॉइस है वो इतनी अच्छी है, इतनी मधुर आवाज में गाना गाते हैं कि सभी का दिल मोह लिया। वे एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और जुबिन नौटियाल सहित कई हस्तियों ने उनकी क्लिप को शेयर किया है। और सोनू सूद ने अमरजीत को अपनी आगामी फिल्म फतेह के लिए गाना गाने का मौका जो है देने का वादा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो अमरजीत अभी इंटरनेट सेंसेशन पे पूरे वायरल हो गए हैं। हर जगह इंटरनेट पर आप देखोगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह वो छाए हुए हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप देखोगे इनके नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिनपे 32,000 अभी इनके फॉलोवर हैं। और इनकी शिक्षा की बात करें तो ये पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं और 10वीं कक्षा में एक बार फेल भी हो चुके हैं। वर्तमान में वे अभी समस्तीपुर बिहार के कॉलेज में ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और स्कूल में ये अच्छे गाने के लिए प्रसिद्ध थे और ये सोशल मीडिया पर अपने गाने के वीडियो पोस्ट करते थे और बहुत कम लोग उन्हें देख पाते थे। 17 साल की उम्र में ही वे बिहार आइडल के विजेता बने और इसके बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहाँ पर वे अपनी गानों की वीडियो डालते रहते थे। और उनकी माँ जो है, उनके पेरेंट्स जो है, काफ़ी बकबक करते थे, मतलब क्या कर रहा है ये, बैठे बैठे बस गाना ही गाता रहता है। कोई बिलीव नहीं करता था कि वो एक दिन इतना फेमस हो जाएगा। इनके यूट्यूब चैनल का नाम ऑफिशियल अमरजीत जयकार है। जी हाँ दोस्तों, और इस चैनल पर 32,000 प्लस फॉलोअर सब्सक्राइबर है। इनका वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ जहाँ बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, नीतू चंद्रा, सिंगर सोनू निगम समेत कई लोगों की नज़र पड़ी और सोनू सूद ने इन्हें ट्वीट कर कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी और उन्हें काफी सराहना मिली। 21 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमरजीत एक गाने को कोलगेट ब्रश करते हुए नजर आ रहा है और नॉर्मली उनके पीछे बहुत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं और ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई और ये सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए। इसके बाद इन्हें सोनू सूद ने मुंबई मिलने के लिए बुलाया और फिर क्या था, वे फेमस हो गए और अपनी फिल्म फतेह में गाना गाने का ऑफर भी दे दिया। यहीं से इनकी लाइफ और इनका करियर जो है ऊंचाइयों को छू गया। अमरजीत जैकर एक भारतीय पॉप कलाकार, गायक और संगीतकार हैं और बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी संगीत की सफर
की शुरुआत जो है वे छोटे से गांव में की थी और 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया। आज लोगों को उनके कवर गाने पसंद आए और फिर उसने अपना मूल बनाना शुरू किया। अमरजीत देकर एक गायक भी है और उसने दिल दे दिया के साथ साथ कई गाने पर वीडियो बनाए हैं। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट किए हैं। और उनके पिता रोहित ठाकुर हैं जिनका एक सलून है, जी हाँ दोस्तों, और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। इनके पिता को भी गाने का बहुत शौक है। इनकी माता का नाम बेबी देवी है जो एक गृहिणी है। इसके अलावा उनके परिवार में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। जाति की बात की जाए तो वो हजाम ठाकुर जाति के हैं और OBC कैटेगरी में आते हैं। अमरजीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने सोनू सूद से मुलाकात के अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने पोस्ट को हिंदी में कैप्शन देते हुए लिखा है कि सर से मिलने से पहले मुझे लगता था कि सर सुपरस्टार है, लेकिन मिलने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने वादा किया था, तैयारी पूरी की थी, उसे देख कर ऐसा लगा जैसे माँ भोजन की थाली लिए खड़ी हो। जी हाँ दोस्तों, और अभी वे इतने फेमस हो चुके हैं कि हिमेश रेशमिया ने भी अपनी अगले गाने को उनको सौंप दिया है और वो गाना भी काफी फेमस हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो अमरजीत की मंथली इनकम जो अभी है वो 10,000 के बराबर है और इनकी नेटवर्थ अभी 10 से 20 लाख रुपए के लगभग है। इनका एक YouTube चैनल है जिसमें ये इनकम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से वो फेमस हो गए और आज हिमेश रेशमिया के गाने को गाने के बाद मिलियंस में उनके व्यूज आ चुके हैं केवल 2 दिनों में दोस्तों। तो इस तरीके से कौन कब वायरल हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। तो लगे रहिए, आप भी कुछ ऐसा काम करके दिखाइए जिससे आप रातों रात वायरल हो जाए। तो यही थे अमरजीत जयकर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।